जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। वैसे आप लोग देखोगे ना, हमारे पास एक न्यू फोन है आज, Vivo Y200। इसका Y100 अराउंड एक साल पहले लॉन्च हुआ था। अब जाकर Vivo ने अपने Vivo Y200 को लॉन्च किया है। और ये फोन जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ना, ये ऑफलाइन मार्केट में दबा कर बिकता है। इसलिए Vivo अपने Y सीरीज को ना ऑनलाइन नहीं लॉन्च करता, सिर्फ ऑफलाइन मार्केट को ही टारगेट करता है। और ये फोन ऑफलाइन ही लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन इसका कोई सेल नहीं था। हमने फोन को बाय कर लिया, और जब फोन को बाय किया, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट खुल जा भाई। मैंने बॉक्स को पहले ही ओपन करके रखा है क्योंकि मुझे फोन यूज करना था। हमने 3 दिन फोन को यूज किया है। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि वाकई में ये फोन कैसा है। चलिए, जो भी होगा रियलिटी में आपके साथ शेयर करूंगा। फोन मैंने खुद बाय किया हुआ है, मेरे ऊपर किसी ब्रांड का प्रेशर नहीं है, प्रॉपर एक यूजर की तरह शेयर करूंगा। मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेक टॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज दोस्त लाइक कर देना, आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्सिंग हम खाट पे करेंगे क्योंकि भाई खाट भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये गांव में फ्री में मिलता है, अगर आप शहर में रहते होगे या कहीं होटल या ढाबे पे जाते होगे ना, इसी खाट का वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। हमारे पास फ्री में पड़ा है और यूज़ ना करे, ये तो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हो, ये रहा हमारा स्मार्टफोन, इसे साइड में रखते हैं। अंदर की तरफ बैक कवर, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये रहा एक 44 वॉट का फास्ट चार्जर, और यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी केबल दिया गया है। बाकी यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, सबसे पहले इसे रैपर से रिमूव करते हैं। ओहो, काफ़ी बेटर डिज़ाइन के साथ में आ रहा है फ़ोन, काफ़ी प्रीमियम तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ओवरऑल इसके डिज़ाइन एंड लुक को देखोगे ना, तो एक प्रीमियम सा फील होता है। बाकी जो फर्स्ट हैंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाथों में कैरी करने के बाद भारी नहीं फील हो रहा है, 190 ग्राम का ही वेट दिया गया है। और यहाँ पे फ़ोन को आप साइड से देखोगे तो 7.69 mm का थिकनेस दिया गया है। फ़ोन साइड से देखने में मोटा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ से 3.5 mm जैक को रिमूव कर दिया गया है। अब मार्केट में ना 20,000 रुपए के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, उनके अंदर से ना 3.5 mm जैक रिमूव कर दिया जा रहा है, क्योंकि ईयरबड खरीदेंगे तो कंपनी का और सेल बढ़ेगा। बाकी ये फोन ना सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, बट भाई कहना पड़ेगा सिंगल स्पीकर के हिसाब से जो लाउडनेस है इसके अंदर ना, वो काफी ज्यादा तगड़ा है। हमारे इंडिया में भाई कुछ भी फेमस हो जाता है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ भी बोल दो वायरल हो जाता है। वैसे यहाँ पे ना टाइप सी का पॉइंट दिया गया है नीचे की तरफ, और यहीं पे नीचे की तरफ भी सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, जहाँ पे आप डुअल नैनो सिम को यूज कर पाओगे, मतलब मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है। बाकी इसका जो बैक पैनल आप देख रहे हो ना, वो प्लास्टिक का दिया गया है। IP54 के रेटिंग के साथ में आता है, थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो मैनेज कर सकता है। बाकी यहीं पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि नॉर्मली ओपन हो रहा है, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। इसका फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, बहुत ही जल्दी फेस को डिटेक्ट कर रहा है। और इस फोन को आपको दो हाथों से यूज़ करना पड़ेगा, एक हाथ से यूज़ करोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले पर हाथ आपका अच्छी तरीके से नहीं पहुँचेगा, दोनों हाथों का यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 800 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है, तो इनडोर के साथ साथ बाहर आउटडोर में भी यूज़ करोगे ना, आपको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे बेजल्स को देखोगे ना, बेजल्स काफ़ी ज़्यादा पतले दिए गए हैं, और यहाँ पर जब हम कोई सॉन्ग या मूवी इंजॉय करते हैं तो बेजल्स काफ़ी पतले होने की वजह से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और कलर एक्यूरेशन भी देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। बाकी इस बार Vivo ने अपने कैमरे के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे दो दो फ्लैश लाइट दिया गया है। ये तो ऊपर वाला नॉर्मल फ्लैश लाइट है, जो कि नोटिफिकेशन बार से यहाँ पे ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे नीचे ना एक ऑरा लाइट दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। उससे पहले यहाँ पर देखोगे ना, डुअल यहाँ पर कैमरा सेटअप दिया गया है। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, जो कि OIS के साथ में आता है। और यहाँ पे फ्रंट में ना 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चलो बाहर चलते हैं कुछ फोटो क्लिक करने। वैसे अभी सुबह का टाइम है, हल्का हल्का धूप निकला हुआ है, और यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे पौधे लगा कर रखे हैं, तो इनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। वैसे गाँव में ना ठंडी पड़ने लगा है, सुबह और शाम को ना ठंडी लगता है, तो यहाँ पर देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे पौधे हमने लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ओके। पोर्ट्रेट मोड में भी क्लिक कर लेते हैं, ओके। फोकस तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पर भी एक दो फोटो। इस फोन से हमने जितने भी फोटो क्लिक किए, काफी बेटर क्वालिटी के फोटो आए हैं। मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे काफी अच्छी क्वालिटी के फोटो आए हैं। लाइटिंग HDR प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, कलर को बूस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड में जो पेड़ पौधे हैं, प्लस जो स्किन टोन है ना, वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिल रहा है। सेल्फी भी हमने कुछ क्लिक किया, काफी अच्छी क्वालिटी के सेल्फी आ रहे हैं। और यहाँ पर हमने कुछ नाइट में भी फोटो क्लिक किया है। बैक कैमरे से नाइट में फोटो क्लिक करते हैं तो थोड़ा बेटर क्वालिटी देखने को मिल रहा है।
बट यहाँ पे सेल्फी क्लिक करोगे नाइट में ना तो थोड़ा क्वालिटी लो हो जाता है। और यहीं पर वीडियो सेक्शन में आओगे तो चाहे आप बैक कैमरे या फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करो, आप 1080p 30fps पे कर पाओगे। 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा खराब लगा कि 22,000 रुपये लेने के बावजूद भी यहाँ पे 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इस फोन के अंदर जब आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, OIS का सपोर्ट दिया गया है, तो आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, यहाँ पर ये काफी अच्छी तरीके से इमेज को स्टेबलाइज करता है। और यहाँ पर बैक साइड में जो ये ऑरा लाइट दिया गया है, यहाँ पर कैमरे को ओपन करके फ्लैश लाइट सेक्शन में आओगे ना, यहाँ पे ऑरा लाइट का एक सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आप इस ऑरा लाइट के कलर को चेंज कर सकते हो, 38 लेवल यानी 38 प्रकार के आप कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ पर व्हाइट हो गया, अब यहाँ पर देखोगे ना वार्म कलर हो गया, मतलब पीला पीला। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, मैंने इससे जितने भी फोटो क्लिक किए और जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, प्राइस के अकॉर्डिंग इसका कैमरा ना मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब काफी डिसेंट से फोटो आ रहे हैं। और अभी आप लोगों के साथ रिसेंट में जो मैंने फोटो शेयर किया, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट हो कि हाँ फोटो क्लिक करने के बाद क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्वालिटी को लेकर थोड़ा भी डाउट है, इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मैंने इससे क्लिक किए गए सारे फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके रखा है, क्वालिटी भी देख लीजिएगा, आपके मन से डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर डाउट क्लियर हो जाए तो भाई को फॉलो कर लेना, 2-4 फॉलोअर बढ़ जाएंगे। अब आप लोगों का सहारा है, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। और अब बात आती है सबसे मेन मुद्दे की बात, जो कि इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि इसके अंदर थोड़ा प्रोसेसर गड़बड़ दिया गया है। वैसे इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 4Zen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक 6nm बेस्ड प्रोसेसर है। बट मैं आपको सही बताऊं, 3 दिन मैंने इस फोन को यूज किया, और हाँ ये बात मैं यूजर की तरह शेयर करने जा रहा हूं, 3 दिन मैंने फोन को यूज किया, मुझे कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। ये फोन ना ही लैग कर रहा है ना ही हीट हो रहा है। हमने नॉर्मल यूज किया, फिर उसके बाद हमने मल्टीटास्किंग किया, अराउंड 5-6 घंटा हमने कंटिन्यू फोन के अंदर गेमिंग किया, बट मैंने नोटिस किया ना फोन लैग ज्यादा नहीं करता, मतलब अराउंड 1-2% लैगनेस देखने को मिलेगा, वो भी जब आप ध्यान लगाकर देखोगे ना तब लैग करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो गेम का ग्राफिक्स है उसे HD पे कर और फ्रेम रेट को हाई पे करके आप गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर गेमिंग मोड भी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, ये फोन ना ही हीट कर रहा है ना ही लैग कर रहा है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ओपन करके देखा तो एप्लीकेशन भी काफी फास्ट ओपन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इस फोन के अंदर यहाँ पे ना 3-4 ब्लॉटवेयर दिए गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, यहाँ पर ये सारे, इन्हें आप ना अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी फोन का नेटवर्क काफी अच्छी तरीके से काम करता है, 5G नेटवर्क को पकड़ता है। लेकिन हाँ दोस्त, अगर आपके एरिया में अभी 5G नेटवर्क नहीं आया तो ये फोन ना 4G प्लस नेटवर्क को सपोर्ट करता है। कॉलिंग क्वालिटी भी काफी अच्छा है। एक चीज अच्छा लगा कि कॉल रिकॉर्ड करते समय ना अनाउंसमेंट नहीं होता। अच्छा एक मिनट, हाँ कॉल रिकॉर्डिंग का बता रहा है कि नहीं, एक मिनट बताना। बताया नहीं कि कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है? नहीं। और इस फोन के अंदर जो UI को डिजाइन किया गया है ना, वो काफी परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। बाकी यहीं पे आप YouTube पर जाते हो, आप 1080p 60fps पर वीडियो को प्ले कर सकते हो। ये फोन ना 5000mAh के बैटरी के साथ में आता है, 44W का फास्ट चार्जर दिया गया है, अराउंड ये फोन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप 3 दिनों के अंदर जो मैंने नोटिस किया वो काफी अच्छा है। एक बार सिंगल चार्ज करोगे ना 8-9 घंटे का बैकअप आपको काफी अच्छी तरीके से देगा। सो गाइस, फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के ऊपर। अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि वाकई में ये फोन कैसा है। देखो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, फोन काफी अच्छा है, फीचर काफी अच्छे दिए गए हैं, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा काफी बेटर है, काफी अच्छे फोटो आते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बेटर है। इस फोन का प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। देखो यहाँ पर ये 22,000 रुपए ले रहे हैं। आप ये फोन जो मेरे पास देख रहे हो ना, ये डेजर्ट गोल्ड कलर में है, 8/128GB वाला वेरिएंट। यहाँ पर ये फोन मुझे 22,000 रुपए में मिला। यहाँ पर मुझे प्राइस इसका ज्यादा लगा। अगर ये फोन 18 या 19,000 रुपए के रेंज में आता ना तो काफी परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक फोन है Vivo T2 Pro, यहाँ पर ये 24,000 का है। बट यहाँ पर इन दोनों फोन को मैं कंपेयर कर दूँ ना तो Vivo के अंदर काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं और कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से ना इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर ये 18-19,000 रुपए में आता तो काफी अच्छा था। बाकी आप लोगों की मर्जी, फोन तो काफी अच्छा है, आप लोग बाय कर सकते हो अगर आप लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। बाकी यहाँ दोस्त, मैंने जो भी था आप लोगों के साथ रियलिटी में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने का मन करे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।